हेलो दोस्तों, इस साल सर्दियों का पहला क्लच हमारे पास आ रहा है ब्रीडिंग कॉलोनी में और काफी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस इस बार हमारे ये बर्ड्स कर रहे हैं। दोस्तों सारे बर्ड्स जो है हमने नए ही छोड़े थे ब्रीडिंग कॉलोनी में, क्योंकि जो हमारे बर्ड्स पुराने थे वो हमने सारे सेल आउट कर दिए थे और सारे बर्ड्स काफी अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और काफी अच्छे कलर के जो है इस वक्त हमारी ब्रीडिंग कॉलोनी में चिक्स आ रहे हैं। और अभी बारी है बर्ड्स को अलग करने की। छोटे बच्चों को दोस्तों कॉलोनी से अलग करना बेहद ही जरूरी है। यदि ऐसा ना किया जाए तो जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो जो है इन चिक्स को मारना शुरू कर देते हैं और इनके जो फैदर है ये भी निकल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बड़ा ही बुरी तरीका से जो बजिश पैरट की फीमेल है वो दूसरों के बच्चों को मारती है। और दोस्तों इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, सारे बच्चे जो है सेल्फ हो चुके हैं, ये खुद से दाना खा सकते हैं दोस्तों, इसलिए इनको यहाँ पे अलग किया जा रहा है ब्रीडिंग कॉलोनी से, क्योंकि यदि ये ब्रीडिंग कॉलोनी के अंदर रहे तो दोस्तों इनके घायल होने का चांस जो है काफी ज्यादा है। आप ब्रीडिंग को भी देख सकते हैं, काफी अच्छी ब्रीडिंग हमारे बर्ड्स कर रहे हैं दोस्तों, काफी अच्छे और खूबसूरत कलर के जो है चिक्स इस समय हमारे ब्रीडिंग कॉलोनी से बाहर आ रहे हैं। ये दोस्तों सीजन का पहला क्लच है और काफी सुंदर कलर के बच्चे आए हुए हैं और सारे बच्चे काफी ज्यादा हेल्दी है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम चिक्स का साइज भी काफी अच्छा है और इनके परों की जो शाइनिंग है वो भी काफी खूबसूरत है दोस्तों। और पानी में दोस्तों हमें लिवर टॉनिक मिलाकर इन्हें देंगे ताकि इनका जो है हाजमा ठीक रहे। कंगनी को हम जो है नीचे भी थोड़ा सा बिखेर देंगे, क्योंकि दोस्तों इनको ज्यादातर पता नहीं होता दाना खाने का, क्योंकि ये नए नए दाना खाना सीखे होते हैं, इसलिए हमें कंगनी को थोड़ा सा नीचे गिराना पड़ता है। और खास तौर से आपने हाइजीन का ध्यान रखना दोस्तों, कुछ भी प्रकार की गंदगी आपके जिसमें आपने केज में आपने बच्चे रखे हुए उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको तुरंत साफ सफाई आपने पूरी ध्यान रखनी है। और रात को दोस्तों सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसे स्टार्ट हो गई है सर्दी, तो आपने जो है 100 वाट का बल्ब इस केज में लगा देंगे हम। एडिशनल दोस्तों आप उसको हीट प्रोवाइड कर पाए बजिश पैरेट के चिक्स को तो बेहतर होगा। और दोस्तों लिबोटॉनिक का पानी भी हमने अभी अपने बर्ड्स को दे दिया है, ये हमने ब्रोटोन इस्तेमाल किया दोस्तों, काफी अच्छा लिबोटॉनिक होता है। ब्रोटोन का पानी देने से दोस्तों आपके बर्ड्स के चिक्स को जो है भूख लगी रहती है दोस्तों, ये पीने से उनका हाजमा भी ठीक रहता है और किसी प्रकार के लूज मोशन की जो शिकायत जो आमतौर पर छोटे बच्चों पर आ जाती है दोस्तों बजिश पैरेट के, वो भी आपको नहीं होती। और ये जो है जो भी खाते हैं वो जल्दी से जल्दी पच जाता है। और जब भी आप अपने बजिश पैरेट के चिक्स को बाहर निकाले तो उन्हें ब्रोटोन का पानी जरूर इस्तेमाल कराएं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।